सितंबर 2015 साइंटिस्ट ने पहली बार स्पेस में हुए एक बहुत ही बड़े इवेंट के ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, ये इवेंट था 1.3 बिलियन लाइट ईयर दूर हुए दो ब्लैक होल्स के टकराव का। हर एक ब्लैक होल हमारे सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़ा था। ये दोनों ब्लैक होल्स काफी टाइम से एक दूसरे की तरफ स्पाइरल कर रहे थे और जैसे जैसे वो करीब आते गए उनकी स्पीड तेज होती गई, इतनी तेज कि ये नियरली हाफ द स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच गए। और जब वो टकराए उनकी इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स यूनिवर्स में रिलीज हुए। इस टकराव की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन इतनी एनर्जी तो पूरे एक साल में यूनिवर्स के सारे स्टार्स मिलकर भी रिलीज नहीं करते। जस्ट इमेजिन दिस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट वॉज लाइक बूम। जो ग्रेविटेशनल वेव्स हमने पृथ्वी पर डिटेक्ट किए उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद लीगो के कुछ स्पेशल डिटेक्टर्स ने कैच किया और फिर इन वेव्स को नाम दिया गया GW150914 DJ 04 DL 5539। ये हमें सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही डिटेक्ट हुए, लेकिन इतना काफी था ये कंफर्म करने के लिए कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले आइंस्टाइन ने जो प्रेडिक्ट किया था वो सच था, ग्रेविटेशनल वेव्स वाकई में होते हैं। इसकी वजह से लीगो टीम ने 2017 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी जीता। The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Physics for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves. लेकिन आज भी हमारे लिए ब्लैक होल्स वाला कॉन्सेप्ट इतना मिस्टीरियस है कि इसके बारे में जानने में बहुत मजा आएगा। फॉर इंस्टेंस ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या होता है, इवन इन द फर्स्ट प्लेस ब्लैक होल्स जैसे अजीब चीज की सबसे पहली तस्वीर किस तरह मिली, और क्या ब्लैक होल्स जैसे मॉन्स्टरस स्पेस एंटिटीज परमानेंट होते हैं, क्या वो स्पेस में मौजूद मैटर को कंज्यूम करके और भी बड़े होते जाते हैं, उनका कोई अंत होता भी है या नहीं। वेल, ये सब समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ब्लैक होल्स बनते कैसे है। दरअसल ब्लैक होल्स का जन्म सितारों से होता है। Yes, they are born from stars. और एक स्टार तब फॉर्म होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस मोस्टली हाइड्रोजन ग्रेविटी के वजह से अंदर ही अंदर जमा होने लगती है। इस प्रोसेस के समय ऑब्वियसली गैस में मौजूद एटम्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा स्पीड से टकराने लगते हैं। बार बार एटम्स टकराने के बाद ये गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि अभी हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से टकराने पर बाउंस नहीं होते बल्कि एक दूसरे से मिलकर जन्म देते हैं हीलियम को। जो गर्मी इस रिएक्शन में रिलीज होती है वो बिल्कुल एक कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन की तरह होती है और ये गर्मी इस स्टार को उसकी चमक देती है। बट ये गर्मी स्टार के चमक के साथ साथ स्टार के अंदर प्रेशर भी बढ़ा देती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक स्टार की ग्रेविटी उसके अंदर के प्रेशर को बैलेंस कर सके, फिर उसके बाद गैस का कॉन्ट्रैक्ट होना रुक जाता है। ये थोड़ा बहुत एक बलून जैसा है, इसके अंदर का एयर प्रेशर इसे एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहा है लेकिन इसका रबर टेंशन इसे कॉन्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। ये स्टार भी लंबे समय तक ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर का बैलेंस बनाए रखता है तब तक जब तक इसके अंदर का हाइड्रोजन और बाकी न्यूक्लियर फ्यूल्स खत्म नहीं हो जाते, फिर ये फिर से ठंडा होकर अपने ही ग्रेविटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटा होते जाता है क्योंकि अभी इस पे अंदर से हीट की वजह से कोई प्रेशर नहीं है। ये लिमिट जहां ग्रेविटी इंटरनल प्रेशर से ज्यादा हो जाती और स्टार कोलैप्स करना स्टार्ट करता है, इसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। दरअसल इस लिमिट को एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930s में डिफाइन किया था। इसके लिए इंडियन ओरिजिन मिस्टर चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं, क्या लगता है जब स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब उसका मास कम होगा या ज्यादा? वेल, आइए समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ बलून्स, एक फूड मेजरिंग स्केल, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जिससे हम बलून को फोड़ सके एंड अ रोल ऑफ एल्युमिनियम फॉइल। सबसे पहले तो हम इस बलून में हवा भरेंगे। एक बार हमने बलून में हवा भर दी तो उसके बाद हमें इस बलून को एल्युमिनियम फॉइल से रैप करना होगा।
इसे हमने एल्युमिनियम फॉइल से सारे डायरेक्शन से अच्छे से रैप कर लिया है। नाउ इमेजिन ये एक बहुत बड़ा स्टार है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब हम इसका मास मेजर करेंगे। इसका वजन अराउंड 26 ग्राम्स आया है। अब हम इसके अंदर के बलून को फोड़ देंगे और ये ऊपर की जितनी भी लेयर है इसको दबा के छोटा कर देंगे। ये सिमिलर रहेगा उस प्रोसेस से जब स्टार छोटा होता है ड्यू टू इट्स इंटरनल ग्रेविटी। ये वही समय है जब इसकी इंटरनल ग्रेविटी एक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि इसका वजन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया तभी सेम है, बढ़ गया या कम है। लेट्स सी। इसे फिर से मेजर करने के बाद इसका वेट बिल्कुल सेम है, यानी कि ये कंपैरेटिवली जब बड़ा था तभी भी इसका वजन 26 ग्राम्स था और जब हमने इसे दबा के छोटा कर दिया तभी भी इसका वजन 26 ग्राम ही है। ऐसा सेम होता है एक स्टार के लाइफ में। सो कंक्लूजन ये है कि किसी भी स्टार का वजन सेम ही रहेगा एज कंपैरेटिवली जब वो अपने फुल साइज फेज में हो और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रियलिटी में जब स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो अपना कुछ मास लूज करते हैं। जब एक स्टार अपने लाइफ के एंड पर होता है तो पावरफुल स्टेलर विंड्स या मैसिव एक्सप्लोजन्स उसके आउटर लेयर्स को स्पेस में भेज देते हैं, लेकिन जो स्टार का कोर होता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ मास रहता है। इसीलिए मास जिस स्टेज तक एक स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है उस स्टेज तक ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। नाउ इतना सब होने के बाद एंड में जो कोर बचता है वो भी अपने ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। और जब एक स्टार का मास सन के मास से अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स ज्यादा होता है तो उसका कोलैप्स इतनी तेजी से होता है कि एक कैटास्ट्रोफिक धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके में स्टार के आउटर लेयर्स पूरी तरह से स्पेस में ब्लो ऑफ हो जाते हैं। मतलब ये जो एक्सप्लोजन होता है वो सिर्फ आउटर लेयर्स के साथ होता है, कोर का कोलैप्स कंटिन्यू होता रहता है। और उस कोलैप्स के बाद जो बचता है वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार होता है या फिर अगर स्टार का मास और ज्यादा है तो ब्लैक होल बन जाता है। अगर रिमेनिंग कोर का मास 1.4 से 3 टाइम्स सन के मास के बीच है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, लेकिन अगर कोर का मास 3 सोलर मासेस से ज्यादा है तो कोलैप्स इतना एक्सट्रीम होता है कि कोई भी फोर्स इसे रोक नहीं सकता। इस केस में कोर कोलैप्स होते होते इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती और इसीलिए ये इनविजिबल होता है। इंटरेस्टिंग राइट? अब असली ट्विस्ट सुनो। ब्लैक होल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट पर ब्लैक होल की डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है और इस सिंगुलैरिटी के आसपास एक जोन होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर लाइट के पार्टिकल्स और वेव्स या कोई भी चीज, इवन बड़े से बड़ा स्टार भी इस इवेंट होराइजन में एंटर कर जाए तो बचना नामुमकिन हो जाता है। नाउ अगर आपने देखा हो तो ठीक इस इवेंट होराइजन के बाहर एक डिस्क होती है। समझ लो कि ब्लैक होल्स एक तरह के स्पेस के सुपर पावरफुल वैक्यूम क्लीनर्स है जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आसपास की चीजों को खींचते हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले ये चीजें जैसे कि गैस, डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स उसके आसपास एक डिस्क के शेप में इकट्ठा हो जाते हैं। ये डिस्क अक्रीशन डिस्क कहलाती है। इस डिस्क में मटेरियल्स बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं और फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत गर्म हो जाती है। ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि अक्रीशन डिस्क में ब्राइट लाइट और हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, इवन दो ब्लैक होल खुद से लाइट एमिट नहीं करता। नाउ हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अराउंड 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल्स है। 40 क्विंटिलियन मतलब 40 के आगे इतने जीरो। इतने ब्लैक होल्स होने के बावजूद हमें आज तक ये नहीं पता कि ब्लैक होल्स की दूसरी तरफ क्या है। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि ब्लैक होल्स की दूसरी तरफ हमारे ही यूनिवर्स में निकलने वाली या फिर किसी और यूनिवर्स में निकलने वाली एक ओपनिंग हो सकती है, जैसे कि व्हाइट होल्स। मतलब ब्लैक होल्स भी एक तरीके से वॉर्म होल्स ही है। वॉर्म होल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में प्रपोज किया। ये एक थ्योरेटिकल टनल जैसा स्ट्रक्चर है जो दो दरवाजे के पॉइंट्स को स्पेस टाइम में कनेक्ट करता है। ब्लैक होल्स मैटर को अंदर खींचते हैं जबकि व्हाइट होल्स थियोरेटिकली मैटर को बाहर पुश करते हैं। व्हाइट होल्स कभी ऑब्जर्व नहीं हुए, बस ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये आइडिया जनरल रिलेटिविटी से आता है, लेकिन
ये थोड़ा स्पेक्यूलेटिव है, मगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमें 2015 में डिटेक्ट हुए वो भी ऑलमोस्ट 100 सालों तक एक थियोरी ही थी और वो इवेंचुअली प्रूफ हो गई। ठीक इसी तरह एंटी मैटर भी थियोराइज्ड हुआ 1928 में, लेकिन डिस्कवर हुआ 1932 में। हिग्स बोसोन जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं थियोराइज्ड हुआ 1964 में, लेकिन डिस्कवर हुआ 2012 में। ब्लैक होल खुद थियोराइज्ड हुए 1916 में, लेकिन डिस्कवर हुए 1971 में, और इसीलिए कई केसेस में थियोरीज भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये तस्वीर M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी। इस तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के नेटवर्क की मदद से कैप्चर किया गया। इस इमेज ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उस बाउंड्री को दिखाया जहां से कुछ भी, चाहे वो लाइट हो या मैटर, बाहर नहीं आ सकता। इस डिस्कवरी ने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया और ये साबित किया कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियल एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है। इवन ब्लैक होल्स स्पेस में मौजूद मैटर को कंज्यूम करके बड़े हो सकते हैं। जब मैटर उनके पास आता है तो वो उसे अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच लेते हैं। इस प्रोसेस में ब्लैक होल का मास बढ़ता है। बट यू नो व्हाट, मेरे पास एक खुशखबर है। ब्लैक होल्स परमानेंट नहीं होते, उनका एग्जिस्टेंस उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर एक ब्लैक होल किसी तरह मैटर को कंज्यूम नहीं करता तो वो इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाता है। मतलब अगर इस जायंट से मॉन्स्टर को खाना ही नहीं दिया जाए तो ये बचेगा ही नहीं। दरअसल ब्लैक होल्स का भी अंत होता है, लेकिन ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्टीफन हॉकिंग के थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के जरिए अपना मास खोते हैं। ये रेडिएशन उनके इवेंट होराइजन के आसपास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से जनरेट होती है। लंबे टाइम स्केल पर ये प्रोसेस इतना आगे बढ़ सकता है कि ब्लैक होल इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ इयर्स में होता है। तो ब्लैक होल्स कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर कॉन्टेंट दैट मेक्स यू स्मार्टर।